उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद से आपको अगला समाचार सुनाने जा रहे हैं, जहां पर मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे फरुखाबाद, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं विधायकों ने उनका किया भव्य स्वागत। फरुखाबाद में मंत्री धर्मपाल सिंह का हुआ आगमन, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं विधायकों ने मंत्री का किया भव्य स्वागत। मंत्री ने मदरसा के बारे में बताया कि हम मदरसों को राष्ट्रीय शिक्षा से जोड़ रहे हैं और तमाम शिक्षा मदरसे के बच्चों को दिलवाएंगे। मुस्लिम समाज के बच्चों को मदरसे में अच्छी शिक्षा की तालीम दी जाएगी। विपक्ष जो है वो शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है, तो कितना इसमें विपक्ष क्या कहेगा? शिवलिंग को कोई फव्वारा बताने, शिवलिंग तो एक बहुत, देखिए जहाँ जल है वहाँ शिव है और जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है। कल्याण को कोई मतलब ताजमहल को देखे बवाल चल रहा है, इसकी जाँच होनी चाहिए, ताजमहल की जाँच होनी चाहिए। देखिए ऐसा है, मेरे पास ये अल्पसंख्यक विभाग है, अभी हम इन लोगों को, इस समाज की भी हमारी चिंता है, हम मदरसों की शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा से जोड़ रहे हैं, NCERT की शिक्षा दे रहे हैं, ये अपने उर्दू फारसी पढ़े, हमें इसको कोई दिक्कत नहीं। आपकी पार्टी के मंत्री जी, मस्जिद में जो है विष्णु मंदिर है, ऐसा है जो मैं मंत्री के नाते बोल रहा हूँ, उसके बाद सवाल करूँ। मदरसा की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन ये करेंगे, इनको राष्ट्रीय धारा से जोड़ने का काम करेंगे। जो बफकी ज़मीनें हैं उन पर हम कोचिंग स्थापित करेंगे, ITI का भी निर्माण करेंगे, अस्पताल भी बन पाएंगे, तो इनको कोचिंग में बनाकर इसको IAS बनाएंगे। कई मंत्री जी।